अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो तमाम एमसीक्यू जो 2009 से लेकर 2019 तक एनटीएस के पास पेपर में पूछे गए हैं, उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यू इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है वो 2009 एनटीएस पास पेपर में पूछा गया है। कैटिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ, हमें कहा जा रहा है कैटिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। ए में कहा जा रहा है मेकिंग सिंगल बॉन्ड, बी में कहा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन, सी में कहा जा रहा है मेकिंग लॉन्ग चेन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम, डी में कहा जा रहा है आइसोमेरिज्म और ई में कहा जा रहा है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो एस एम सी क्यू का करेक्ट आंसर है मेकिंग लॉन्ग चेन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। कैटिनेशन वो सलाहित होती है जिसमें कोई भी एटम अपने दूसरे एटम के साथ मिलकर एक लंबी चेन बनाने की सलाहित रखे, उस प्रोसेस को नाम देते हैं कैटिनेशन का। और ये प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा कार्बन में रखी है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है सी मेकिंग लॉन्ग चेन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम, सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर इसी 2009 में एक और सवाल पूछा गया है और वो है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ फर्मेंटेशन रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनमें से कौन सी चीज़ है जो फर्मेंटेशन के जरिए भी प्रोड्यूस होती है और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के जरिए भी प्रोड्यूस होती है। तो सबको बआसानी पता है अल्कोहल। अल्कोहल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के जरिए भी प्रोड्यूस होता है और फर्मेंटेशन के जरिए भी कुदरती तौर पर तैयार किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। फिर इसी में एक और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, तीसरा सवाल भी इस चैप्टर से है 2009 में। ड्यूरिंग कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन टू मोनोमर्स मे बी ज्वाइन बाई द रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ, हमें कहा जा रहा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में दो मोनोमर आपस में ज्वाइन होते हैं और कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो याद रखिएगा कंडेंसेशन के नतीजे में दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और रिमूवल जो होगा वो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, और हाइड्रोलाइसिस इसका अपोजिट होगा जिसमें पानी का मॉलिक्यूल शामिल होगा और दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे जबकि कंडेंसेशन में जुड़ेंगे और पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी, वाटर इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2009 के बाद अगले ईयर की तरफ देखते हैं, तीन सवाल थे, हैरत की बात है इतने छोटे चैप्टर से तीन एमसीक्यू इसमें दिए थे, लिहाजा एनटीएस का कोई ऐसा भरोसा नहीं है किस चैप्टर से कितने सवाल देते हैं। IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ, याद रहे IUPAC नॉमनक्लेचर पर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उम्मीद है सबको बहुत आसानी से मालूम होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः हैं, 1 के बाद डबल बोन है, 4 के बाद है, तो 1,4 हेक्साडाइन। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1,4 हेक्साडाइन इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है 2012 की तरफ, ये 2011 का था, 2012 में देखते हैं कौन सा सवाल था, हम उसकी तलाश में हैं वो क्या सवाल है। ओके, इसमें कहा जा रहा है 1-propanol and 2-propanol आर एग्जाम्पल ऑफ, 1-propanol और 2-propanol किसके एग्जाम्पल है, भाई पोजीशन का फर्क है ना, इसमें पहले पैर है इसमें दूसरे पैर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 58 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ आर पोजीशन आइसोमेरिज्म, हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म की सारी टाइप्स हमने डिस्कस की है, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है 2012 के बाद 2013 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया। 2013 में इससे तीन सवाल पूछे गए, अल्केन्स है 5-17 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल आर, हमने कहा वो अल्केन जिसमें 5 से लेकर 17 कार्बन एटम होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड सॉलिड गैस या सेमी सॉलिड वैक्स। तो एस एम सी क्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ए लिक्विड होते हैं। 5-1, 2, 4 वाले होते हैं वो गैस होते हैं, 5-17 वाले जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं और 17 से ज्यादा वाले सॉलिड होते हैं, ये अच्छे से याद रखना। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन ऑन ईच साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हमने कहा वो आइसोमेरिज्म की कौन सी टाइप है जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है लेकिन कार्बन एटम की जो चेन होती है ना वो दोनों साइड पर उसमें तब्दीली आती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, तो वो तो बहुत आसान है मेटामेरिज्म।
जिसके लिए आप हमारा आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर जो है वो अच्छे से अटेंड कीजिएगा, आपको आसानी मालूम होगा और ये मेटामेरिज्म कहलाता है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो दो सवाल हो गए 2013 में, जो कि NTS की तारीख का सबसे मुश्किल तरीन पेपर माना जाता है। एक और MCQ भी इसी चैप्टर से आया, द आइसोमर मस्ट हैव द सेम, आइसोमर के पास क्या चीज सेम होनी चाहिए, ए फिजिकल प्रॉपर्टी, बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डी केमिकल प्रॉपर्टीज, ई बोथ बी एंड सी। आइसोमर के पास द आइसोमर्स मस्ट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमर के पास क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2013 के बाद 2014 में से कोई MCQ नहीं पूछा, 2015 की तरफ बढ़ते हैं और 2015 में इससे दो MCQ पूछे गए। आइए देखते हैं वो कौन सा MCQ है। दोनों MCQ हमारे सामने हैं, एक सिंपल बुक की लाइन है, परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन इन सुई गैस, सुई गैस के अंदर ब्यूटेन की परसेंटेज क्या है, ये टेक्स्ट बुक की सीधी सीधी लाइन है, ये आप खुद मुझे कमेंट में बताओगे। फिर इसके बाद जो है अबव गिवन फॉर्म आर एग्जांपल ऑफ, ये जो दी गए ना भाई, इसमें ऑक्सीजन है, ईथर है, दोनों तरफ जो है वो इथाइल इथाइल है, फिर एक तरफ मिथाइल हो गया, एक तरफ इथाइल हो गया, फिर एक तरफ ब्रांच वाला जो है वो प्रोपाइल हो गया और एक तरफ मिथाइल हो गया। तो हमारे पास क्या है, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल हो गया था, फिर इसमें क्या था, एक तरफ ब्रांच वाला जो है वो प्रोपाइल हो गया था और एक तरफ मिथाइल था। तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, सिर्फ कार्बन चेन में फर्क आ रहा है, लिहाजा ये किसकी एग्जांपल है, मेटामेरिज्म की। याद रहे इस MCQ का आंसर कमेंट में आपने खुद देना है भाई, बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है, सही है बेटा। तो इसमें हमारे पास जो है वो मेटामेरिज्म है। फिर इसके बाद आपको जो है ये दोनों सवाल हो गए 2015 के, हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। ओके भाई, ये हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ, इनमें से किसका ये फंक्शनल आइसोमर है। तो सबसे पहले पहचानो ये कौन सा है, ये है कीटोन, CO जब भी बीच में होता है ना, ये कीटोन है। कीटोन किसका फंक्शनल आइसोमर होता है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो अब कार्बन की तादाद सेम तलाश करते हुए आप इसमें मालूम करेंगे तो इस MCQ का आंसर सीधा सीधा हमें A मिला, CHO एल्डिहाइड है, कार्बन की तादाद भी इसमें सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये जो फंक्शनल आइसोमर है ऑप्शन A का। तो ये 2016 का था। इसी तरीके से एक और MCQ हमारे पास इस वक्त स्क्रीन में मौजूद है, IUPAC नेम ऑफ दिस, इसका हमें क्या करना है, IUPAC नाम बताना है। याद रहे IUPAC नेम पर हमने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है, तो फिलहाल इसका मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो A है, आपने 3-ethyl-2-2-4-trimethyl-pentane। तो उम्मीद है कि हमारे लेक्चर जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। फिर इसके बाद 2016 में लियारी वालों ने क्या सवाल पूछा है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। आइए तलाश करते हैं वो कौन सा सवाल है। ओके, हाउ मेनी चेन आइसोमर आर पॉसिबल ऑफ, ये पूरे चेन, ये हेक्सेन है, हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर बनाए थे, 5 पूरे बनाए थे, सबको हमने नाम भी दिया था। तो उम्मीद है कि ये भी हमारे लेक्चर अटेंड करने वाले बच्चों को आसानी मालूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट IUPAC नेम है। इसमें बाकायदा मिसप्रिंट है, क्या मिसप्रिंट है, इसमें बाकायदा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ बनाना ये भूल गए, स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, उस स्ट्रक्चर की बेस पर हमें सही IUPAC नाम बताना था, तो वो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ ही नहीं है, बना हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर पा रहे। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है हम तलाश करते हैं इसी 2016 के KMDC वालों ने क्या पूछा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन इज ड्यू टू, अल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होता है जबकि बेंजीन में नहीं होता। तो ए में कहा जा रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम। तो बेंजीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, अल्कीन के अंदर है, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड जो होता है ना रेस्ट्रिक्टेड होता है। बेंजीन के अंदर क्या था, रेजोनेटिंग था, वो अपनी जगह चेंज करता था, यहाँ ऐसा नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो जगह चेंज नहीं करता। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो A इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है, फिर इसके बाद हमारे पास 2017 की तरफ बढ़ते हैं। 2017 में एक MCQ पूछा गया है इस चैप्टर का, आइए वो कौन सा सवाल है। द मॉलिक्यूलर
स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज शोन बोन भाई 1, 2, 3, 4 ये सीधा सीधा हमें दिया हुआ है ब्यूटेन। हमें पूछा जा रहा है विच स्ट्रक्चर इज एन आइसोमर ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, इस ब्यूटेन का आइसोमर कौन सा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 1, 2, 3, 4, 4 ये आइसोमर है, इसमें 5 है, इसमें डबल बॉन्ड है भाई, ये नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो आइसोमर है, बी इज द करेक्ट आंसर। 2017 के बाद 2018 में 2 एमसीक्यू इस चैप्टर से पूछे गए हैं, आइए हम उसकी तरफ आते हैं। Which one of the following is the pure carbon compound? And एक मिनट थोड़ा सा फोकस करते हैं। Which one of the following is the pure carbon compound and used as reducing agent in industry? इनमें से कौन सा pure carbon compound है और वह reducing agent के तौर पर काम करता है। A में कहा जा रहा है coal tar, B में petroleum, C में coal gas और D में कहा जा रहा है coke। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा प्योर कार्बन है, तो वो कॉक होता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है, ये बाकायदा बुक में लिखा हुआ भी है। फिर इसी तरीके से 2018 में एक और एमसीक्यू भी पूछा गया है इस चैप्टर के हवाले से, हाउ मेनी चेन आइसोमर आर शोन इन। हमारे पास जो है ये पेंटेन है और पेंटेन के 3 आइसोमर हैं, बाकायदा हमने बनाए थे, सबको नाम भी दिए थे। तो जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया, हेक्सेन के 5 थे, पेंटेन के कितने हैं 3। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर, 3 इसके हैं। 2019 में हमें इसका कोई एमसीक्यू इस चैप्टर से नहीं मिला, तो लिहाजा ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था इस चैप्टर के हवाले से। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।